आपके सामने मैंने एक मौजू रखा था, इस पर तफसील में गुफ्तगू भी की थी।
कहा था कि अब काफिरों पर उस तरह का अजाब नहीं आएगा जिस तरह का अजाब कौम नूह पर आया, कौम शुएब पर आया, कौम सालेह पर आया, इस तरह का अजाब अब काफिरों पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? इस पर मैंने दलील दी थी, क्यों नहीं आएगा? हालांकि आजकल कुफर की शरारतें उनसे भी बढ़कर हैं और उन आजकल के काफिरों का जुल्म उनसे भी बढ़कर है, लेकिन फिर भी इन काफिरों पर उस तरह का अजाब नहीं आएगा जैसे पिछले काफिरों पर अल्लाह का अजाब आया था। क्यों नहीं आएगा? इस पर मैंने आपको दलील दी थी कि उस तरह के अजाब के लिए जरूरी है कि पैगंबर की बद्दुआ हो, याद है कि नहीं है? उस तरह के अजाब के लिए पैगंबरों की बद्दुआ का होना जरूरी है। तो चूंकि अब पैगंबर नहीं है तो पैगंबर की उस तरह की बद्दुआ भी नहीं है, तो लिहाजा काफिरों पर उस तरह का अल्लाह का अजाब भी नहीं आएगा। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूं, फिर इसके बाद हम अपने मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक अपनी कौम की तबलीग की। कितने साल तक? 950 साल तक अपनी कौम को तबलीग किया, लेकिन सिवाय चंद लोगों के जिनकी तादाद 100 तक नहीं पहुंची। अगर एक साल के अंदर एक बंदा भी मुसलमान होता तो 950 साल में 950 बंदे होते, 950 बंदे होते, लेकिन 950 साल में 70 से 80 बंदे मुसलमान हो गए बस। नूह अलैहिस्सलाम मिलाकर दंगा बाद जंगा बद्दुआ दी और ये फरमाया रब्बे लाकाल नूह रब्बे, नूह अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ दी है मेरे रब, ला तज़र अलल अर्ज मिनल काफिरीन दयारा, इस जमीन में एक काफिर को भी जिंदा नहीं छोड़ना, सबको गिरफ्त फरमा देना, सब पर अल्लाह का अजाब आ जाए। क्यों ये बद्दुआ क्यों फरमा रहे हो? इन्नका इंतज़र युज़िल्लु इबादका, अल्लाह अगर तुमने इन काफिरों को जिंदा छोड़ा, ये जो 80-82 अफराद मुसलमान हो चुके हैं इनको भी गुमराह करेंगे। और जहां तक उनकी औलाद की बात है, मैं तो जमाने से देख रहा हूँ, मैंने तो ये सोचा ये मुसलमान ही तो इनकी औलाद, वो मुसलमान ही तो उनकी औलाद मुसलमान होंगे, नहीं वाला यलिदु इल्ला फाजिरन कफारा, अब ये कुछ भी पैदा करेंगे वो फाजिर फासिक होंगे। मैंने तो तजर्बा करके देखा है, नूह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैंने तो तजर्बा करके देखा है, 950 साल तक जो भी पैदा हुआ वो बाप से बढ़कर शरारत, वो उससे बढ़कर शरीर पैदा हुआ, तो लिहाजा अब किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ना, सब अल्लाह की गिरफ्त में आ जाए, सब अल्लाह के अज़ाब में आ जाए। तो नूह अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ दी, अब अल्लाह का अजाब ऐसा आएगा तो सामने वाले की बद्दुआ हो, और मैं और आप अगरचे काफिरों के खिलाफ बद्दुआ दें लेकिन मेरी और आपकी जबान में वो तासीर नहीं है जो नूह अलैहिस्सलाम की जबान में तासीर है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो इससे पता चला कि काफिरों पर अब जो अजाब आएगा वो जुज़वी अजाब आएगा, कुल्ली अजाब काफिरों पर नहीं आएगा। कुल्ली अजाब का मतलब ये है कि ऐसा अजाब कि जिसमें सब हलाक हो जाएं, सब बर्बाद हो जाएं, सब खत्म हो जाएं। नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अल्लाह का अजाब है, सब खत्म हो, एक भी नहीं बचा। अब काफिरों पर ऐसा अजाब नहीं है। दूसरी बात मैंने ये की कि मुसलमान भी अपने आप को अजाब से, अल्लाह की सजा से मुबर्रा और बरी न समझे, मुसलमानों पर भी अल्लाह की गिरफ्त आ सकती है। ये पिछले जुमे को कहा नहीं कहा? और इस पर बतौर दलील के मैंने आपको एक किस्सा भी बयान किया, वो किस्सा आपको याद है?
बतौर दलील के मैंने आपको एक किस्सा बयान किया कि देखो ये मुसलमान थे लेकिन इनकी नीयत खराब हो गई, अल्लाह तबारक व तआला की गिरफ्त उनके ऊपर आ गई। और बाप वालों का तज़किरा आपको सुनाया था कि इनका वालिद साहब नेक था, जब भी फसल तैयार होती थी काट करके गरीबों को मिस्कीनों को देखते थे। वालिद साहब का इंतकाल हुआ, औलाद ने कहा, बच्चों ने कहा हम नहीं देंगे। रात को मशवरा हुआ कि अब तो फसल तैयार हो गई, रात को जाकर काटेंगे ताकि गरीब मिस्कीन दिन को आ जाएंगे। अगर हम रात को नहीं काटेंगे तो उनको काटेंगे, सुबह को अपनी फसल काटेंगे तो गरीबों को पता चलेगा। तो जैसे गरीब हमारे वालिद साहब के जिंदगी में आया करते थे तो अब भी आएंगे। तो गरीब अपना हिस्सा ले लेगा तो हमारे हिस्से में कमी आएगी। और इनको ये पता नहीं है, बल्कि हमको ये पता नहीं है, उनको पता क्या, हमको भी यही पता नहीं है, जिस हाथ से हम अल्लाह को दे देते हैं अल्लाह उसी हाथ में वो चीज़ हमें वापस करके दे देगा। बल्कि मन जा अबिल हसनत फलहु अशर अमसालिहा, जो अल्लाह को एक दे देगा अल्लाह उसको दस दे देंगे। लेकिन हमें इस पर भरोसा नहीं है, हमें इस पर भरोसा नहीं है। हमने तो देखा सीजन में अल्लाह के नाम पर जो एक हम मछली दे देते, एक मैया दे देते, फिर इसके बाद वो भी बी ग्रेड में, वो भी सी ग्रेड में दे दिया। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुन्फिकू मिम्मा तुहिब्बून, अल्लाह तबारक व तुम कामिल नेकी उस वक्त तक हासिल नहीं कर सकते जब तक अपने महबूब चीज अल्लाह को न दो। जब ये आयत नाजिल हो गई, एक सहाबी के बाग में 600 खजूर के दरख्त थे, सब अल्लाह के तबारक व तआला के नाम पर सदका करते। एक बाग के अंदर कितने खजूर के दरख्त थे? 600 दरख्त, सबको अल्लाह के नाम पर सदका कर दिया। तो अभी यही हुआ ना, तो फिर हमने सीजन में हमने जो रवैया अल्लाह के साथ किया आज तक अल्लाह हमें रुला रहा है कि नहीं? रो तो फिर वही कहेंगे कि फलान के उसमें आया, मेरे उसमें नहीं आया, फलाने जादू बंदेज फलान फलान फलान। ये तो जहर दिमाग के अंदर एक ऐसा जहर है, क्यामत तक ये जहर नहीं निकलेगा कि किसी ने जादू, किसी ने बंदेज, किसी ने जादू, किसी ने। बहरहाल ये कोई जादू बंदिश नहीं है, जैसे हमने अल्लाह के साथ रवैया किया अल्लाह हमारे साथ उसी तरह का रवैया करेगा। तो जब ये पूरा वाकया अल्लाह तबारक व तआला ने सुनाया, जब इनकी नीयत खराब हो गई कि रात को हम अपनी फसल काटेंगे, दरख्त काटेंगे, रात फजर की अजान के वक्त काटने के लिए चले गए। कुरान कहता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनके जाने से पहले एक ऐसी हवा भेजी कि उस हवा में आग थी जिसने उनके सब फसल को भस्म कर दिया, तहस नहस कर दिया, जला दिया। फजर के अजान के वक्त दाखिल हो गए अपने बाग में कि काटेंगे, दिन को काटेंगे तो गरीब आएंगे हिस्सा ले लेंगे। देखा बाग तो नहीं है, कोई कल मगरिब को आया, कल असर को आया, बाग में तो फसल तैयार थी। देखा कि हम गलत जगह पे आ गए, रात के अंधेरे में हो सकता है गलत जगह पे आ गए। लगा नहीं भैया, तो हमारे रोज का मामूल है, लाजमी बात है आप में से कोई आंख बंद करके आपको इतना भी पता है कि हमारा गंदी कहाँ है, रात को या दिन को आंखें अगर आप बंद करके भी घर से निकलोगे आपको ऐसा अंदाजा होगा कि मैं गंदी में पहुंच गया, पहुंच जाओगे, तजुर्बा है आपका। तो इसी तरह वो भी निकल गए अपने बाग की तरफ, लेकिन उधर चल कर देखा कि पूरा बाग जल गया। बहरहाल इसकी तफसील मैंने आपके सामने बयान की, ये काफिर नहीं थे मुसलमान थे, लेकिन हमने तो ये समझा कि काफिरों पर ही अल्लाह का अजाब आएगा, मुसलमानों पर अल्लाह का अजाब नहीं आएगा। ये मुसलमान थे, इन पर भी अल्लाह की गिरफ्त आ गई जब इंसान की नीयत खराब हो। इसी वाक्य के नीचे अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाते हैं, कज़ालिकल अज़ाब, यही है मेरा अज़ाब। क्या फरमाया, कज़ालिकल अज़ाब, यही है मेरा अज़ाब। वल अज़ाबुल आखिरत अकबर, आखिरत का अज़ाब इससे बढ़कर है, आखिरत का अज़ाब इससे बढ़कर है।
तो बहरहाल ये बात तो आपको मालूम हुआ कि मुसलमान हो या काफिर हो, बात मुसलमान की नहीं है, बात कुफर की नहीं है। कुफर और मासियत दोनों खतरनाक जुर्म है, चाहे काफिर करे चाहे मुसलमान करे। दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला कभी कभार झटका दे देते हैं, सजा दे देते हैं, अज़ाब दे देते हैं। और दूसरी बात यह है एक और किस्सा आपने सुना होगा, वो भी किस्सा मैंने गालिबन कुछ साल पहले आपको सुनाया था, दो साल पहले, दो तीन साल पहले की बात है। वो भी किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ कि इंसान जब नाकदरी करता है, नाशुक्री करता है, तो भी अल्लाह तबारक व तआला की गिरफ्त में आ जाता है। लेकिन सबसे पहले जो मैंने आयत तिलावत की, इसका तर्जमा सुना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं وَزَرَبَ لَنَا مَثَلًا قَرْيَةً اللہ تبارک و تعالی ایک مثال بیان فرماتے ہیں ایک بستی کی مثال بیان فرماتے ہیں کانت آمنتن سکون کے ساتھ رہتے تھے وہ بستی والے امن کے ساتھ رہتے تھے سکون کے ساتھ رہتے تھے مطمئنتن اطمینان کے ساتھ یاتیہا رزقھا ان کا رزق آتا تھا رغدن فراوانی کے ساتھ بہت زیادہ ان کا رزق آتا تھا من کل مکان ہر طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رزق عطا فرما دیتے وکفرت بانعم اللہ فکفرت بانعم اللہ انہوں نے انکار کیا ناقدری کی اللہ کی نعمتوں کا۔ یہ انسان کی عادت ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ مال دیتا ہے تو پھر انسان اچھلنے لگتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری محنت ہے، حالانکہ وہ انسان کی محنت اس میں ہو لیکن توفیق اللہ کی ہے۔ اللہ نے میرے اور آپ کے ہاتھ پاؤں سلامت کیے تو میں اور آپ محنت کریں گے، کمائیں گے، سمندر میں جائیں گے، خشکی میں جائیں گے، میں اور آپ کمائیں گے۔ لیکن کبھی آپ نے دیکھا ہوگا انگلی میں ایک بوڑا نکل آیا، ایک دانہ نکل آیا، مہینہ مہینہ بھر شکار کے لیے نہیں جاتا ہے، کام کے لیے نہیں جاتا ہے، کیوں نہیں جاتے ہو؟ قدم ہاتھوں میں تکلیف ہے، جس میں جانے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ صحت مند ہونا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، کسی کو اللہ نے صحت دی ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ انسان کو صحت دینے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس کو مستی میں اور اسی طرح غرور میں، تکبر میں گزارے۔ ایک دن آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ صحت کے بارے میں بھی سوال کریں گے۔ تو بسا اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ لوگوں کو اللہ مال دیتا ہے تو لوگوں کو مال عظم نہیں ہوتا۔ پھر کیا کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ شادی ہوتی ہے تو شادی میں ناچ، محفل، ڈانس، اور پھر شراب کا کباب کی تو الگ نشہ ہے۔ یہ تو ابھی سننے میں ابھی آ رہا ہے کہ غریب سے غریب آدمی ہے وہ بھی خوشی کے اندر شراب ضرور پیتا ہے، حالانکہ اچھے خاصے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ جو مالی اعتبار سے وہ ہائی لیول درج ہیں، لیکن شراب کا نام لے کر توبہ کر دیتے ہیں۔ اللہ بچائے، شراب کے خون سے بھی اللہ ہمیں بچائے۔ لیکن ایک یہ ہے کہ ایک دیہاڑی کما لی، وہاں سے 2-3 ہزار ملا اور جا کر ایک بوتل شراب پی لے لی، تو پھر یہ بھی نعمت کی ناقدری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے بھی تو سزا دیتے ہیں۔ لیکن کبھی آپ بولیں گے کہ بھئی مسجد کا چندہ ہو رہا ہے، مسجد کا کام چل رہا ہے، مسجد میں پانی نہیں ہے، لیکن کبھی اس بدبخت کو 10 روپے کے دینے کی توفیق نہیں ملتی، اور ادھر روز نشہ، شراب، چرس، چرس تو بھی عام ہو گیا ہے۔ اب پوچھتے ہیں کہ چرس بھی حرام ہے کیا؟ چرس بھی حرام ہے، پوچھتے ہیں۔ حالانکہ ابھی تو سننے میں آئے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی
इस बीमारी में मुब्तला है, चरस पीते हैं और माँ बाप परेशान है, क्या करें। माँ बाप से भी इन लोगों ने सीखा, ऐसा बात है कि माँ बाप ये से बच्चों ने सीखा। बहरहाल कुरान कहता है कि एक अल्लाह बस्ती की मिसाल देता है कि हर तरफ से उनका रिज़्क आता था और इत्मीनान के साथ वो रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोगों को इत्मीनान रास नहीं आता, अमन रास नहीं आता। फकफरत बिअनअमिल्लाह, अल्लाह की नियामतों की नाकदरी की। फअज़ाका अल्लाह लिबास अलजूए, अल्लाह ने उनको भूख में मुब्तला किया, खौफ में मुब्तला किया। जो रिज़्क हर तरफ से आता था अल्लाह ने वो रोक लिया, भूख लगी उनको। और जो हर तरीके से अमन सुकून के साथ रह रहे थे अल्लाह तबारक व तआला ने खौफ में मुब्तला किया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो हमारे पास आकर कहते हैं कि नींद नहीं आती, घबराहट होती है, हर वक्त बेचैनी होती है कि पता नहीं क्या होने वाला है, पता नहीं क्या होने वाला है, घबराहट हो रही है। आप इसको ये कहते हैं कि तावीज़ दे दो, तावीज़ के साथ हो सकता है घबराहट खत्म हो जाए। तावीज़ के साथ घबराहट खत्म नहीं होती। एक तो ये है कि हमने तो अल्लाह माफ़ करे दीन को ऐसे छोड़ा, भी देखो रमज़ान ख़त्म हो गया तो हमने ये समझा कि रमज़ान ख़त्म, नमाज ख़त्म, मस्जिद ख़त्म, जिक्र ख़त्म, कुरान की तिलावत ख़त्म। रमज़ान में आपने देखा हो भाई कोई शरबत लेकर आ रहा है, कोई तरबूज लेकर आ रहा है। भाई तरबूज शरबत कोई ज़रूरी नहीं है, असल चीज़ है नमाज। मस्जिद अभी पूरे साल मस्जिद है, इन्हीं के रमज़ान में मस्जिद का दरवाज़ा खुला हुआ होता है फिर बंद होता है नहीं, लेकिन यह है कि अब लोग रमज़ान ख़त्म होता है वो ये समझते हैं कि मस्जिद भी अब नमाज ख़त्म, मस्जिदों में अब नमाज नहीं होती है। ये तो हमारी तमन्ना भी पूरी हो रही है, मस्जिदों में भी पाबंदी लग रही है। तो बहरहाल मस्जिदें अल्लाह का शुक्र है कि अब भी खुली हुई मस्जिदों में नमाज होती है, यानी कि रमज़ान ख़त्म हो गया, अब इबादत भी ख़त्म हो गई, नमाज भी ख़त्म हो गई, नहीं नमाज अब भी है। बाकी रिज़्क के पीछे हम ऐसे नहीं पड़े जिस तरह एक काफिर पड़ रहा है, इसलिए कि काफिर तो उसने अपना मकसद ही दुनिया रखा है, वो तो आखिरत को समझता नहीं कि आखिरत क्या है, उसके लिए वो क्यों इबादत करे, क्यों नमाज पढ़े, वो आखिरत को मानता नहीं है। लेकिन मुझे और आपको यकीन है कि मुझे और आपको जो असल ज़िंदगी है वो मरने के बाद मिलेगी, और उस जिंदगी के लिए फकत जुम्मे की नमाज काफ़ी नहीं है। जुम्मे की नमाज, सिर्फ जुम्मे की नमाज पढ़ना ये भी नमाज की सुस्ती है, और नमाज की सुस्ती करने वालों के लिए कुरान मजीद में अल्लाह ने क्या फरमाया, फवैलुल लिल मुसल्लीन, हलाकत हो, बर्बादी हो ऐसे नमाजियों के लिए, अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो नमाज में सुस्ती करते हैं। सुस्ती क्या है, पांच वक्त नमाज में आप मस्जिद में ना आओ, दूसरे हफ्ते को ना आओ, इतवार को ना आओ, वीर को ना आओ, मंगल को ना आओ, बुध को ना आओ, जुमेरात को ना आओ, फकत जुम्मे की नमाज के लिए आप आ जाओ। तो उसका क्या मतलब है, हफ्ते में आपने कई नमाजों को तर्क किया, कई नमाजों में आपने सुस्ती की, तो कुरान की तरफ फवाइल, हालांकि कोई गैर मुस्लिम नहीं, मुसलमान है, नमाज में सुस्ती करता है, नमाज में सुस्ती क्या, नमाज पढ़ता ही नहीं है, फिर सिर्फ जुम्मे की नमाज के लिए आता है। कुरान कहता है फवैलुन लिल मुसल्लीन, ऐसे नमाजियों के लिए हलाकत हो, बर्बादी हो, तबाही हो। ये तो फिर अल्लाह फरमा रहे, नबी का भी कौल नहीं है। कुरान फवैलुन लिल मुसल्लीन सूरत भी आपको याद होगी, अरायत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फज़ालिक अल्लज़ी यदुल यतीम वला यमुत्तु वला तुअमिल मिस्कीन फवैलुन लिल मुसल्लीन। फवैलुन लिल मुसल्लीन, हलाकत हो, वैल का क्या माना, हलाकत हो, तबाही हो, बर्बादी हो ऐसे नमाजियों के लिए जो अपने अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो नमाजों में सुस्ती करते हैं। सुस्ती का क्या मतलब है कि एक दिन पढ़ा दूसरे दिन नहीं पढ़ा, ये सुस्ती है नमाज में। नमाजी उसे कहा जाता है जो पांच वक्त जमात के साथ मस्जिद में नमाज अदा करे, उसको कहते हैं नमाजी। बहरहाल बात ये चल रही थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक बस्ती की मिसाल दी, उनको अल्लाह ने हर तरह का रिज़्क़ दिया था, हर तरह की फरावानी दी थी, इलाका भी मुतमाइन सुकून वाला दिया,
लेकिन उन्होंने अल्लाह की नियामत की नाकदरी की तो अल्लाह ने अपनी नियामतें छीन ली, उनको भूख में मुब्तला किया। और इसी तरह फिर क्या हुआ, उनको खौफ में भी मुब्तला किया, इनको खौफ में भी मुब्तला किया। अब देखो हमारी भी हालत यही है ना, हम खौफ में मुब्तला हैं, एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाते कि बीमारी लग जाए, बाजारों में मार्केटों में भी नहीं जा सकते, हो सकता है कि बीमारी लग जाए, खौफ है ना हमारे दिल के अंदर, खौफ है। अल्लाह ने हमें सुकून दिया था, अब आप में से हर एक की उम्र, किसी की उम्र 30 साल, किसी की उम्र 40 साल, किसी की उम्र 50 साल, आपने 50 साल अमल के साथ गुजारा और सुकून के साथ गुजारा, तो अब आप जो मन खौफ के साथ जिंदगी गुजार रहे हो, आप बाजार भी जाते हो, मार्केट में जाते हो, तो आपको कई किस्म के खतरात लाहक होंगे। जब तक आप अपने मुंह पे मास्क न लगाओगे, आपको मार्केटों के अंदर घुसने भी नहीं देंगे। जब तक आप मास्क नहीं लगाओगे, आप शहर में जा भी नहीं सकते हो। देखो कितनी पाबंदियां हैं, एक वो दौर था जिस तरीके से आप शहर जाते हो तो कोई आपको पूछने वाला भी नहीं था, लेकिन मैंने और आपने उस नियामत की कदरदानी नहीं की, उस अमन की मैंने और आपको कदर नहीं की। अब मैं और आप जहां भी जाएंगे औरत की तरफ अपना मुंह छुपा कर जाएंगे। अब औरतों की भी ऐसी आदत हो गई कि अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह के गिरफ्त से वो सर नहीं छुपाएंगे जिसका छुपाना फर्ज है, सिर्फ मुंह छुपाएंगे ताकि वो बीमारी न लगे। भाई इस बीमारी से तुम बच गए, लेकिन क्यामत के अजाब से तुम नहीं बचोगे ना। ऐसी औरत पर तो अल्लाह की लानत है कि जो अपना सर न छुपाए। गैरतमंद मर्द होता है ना, वो अपना सर किसी को नहीं दिखाता, वो कहता है कि भी मेरे सर में टोपी हो, पगड़ी हो। लोगों ने तो अभी तकरीबन 20-30 साल हो गए ये पगड़ी की सुन्नत छोड़ दी है, वरना आप अपने बाप दादा से लेकर देखें पीछे 2-3 नस्ल से आगे पूछना शुरू कर दें, वहां पे कोई मर्द आपको बगैर टोपी के बगैर पगड़ी के आपको नजर नहीं आता। ये तो अभी जदीद दौर शुरू हो गया 20-25 सालों में, वरना आप 30 साल पीछे चले जाएंगे, वहां पे कोई नमाजी ताया नहीं था, कोई इबादत गुजार ताया नहीं था, कोई दीनदार ताया नहीं था, उसके सर में टोपी जरूर होती थी, उसके सर में पगड़ी जरूर होती थी। ये गैरतमंद आदमी की निशानी है। लेकिन बदबخت औरतों को देखो, आजकल ना उनके सर पे दुपट्टा है, कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं हैरान हूं कि उनके भाई भी देख रहे हैं, उनके शोहर भी देख रहे हैं कि उनकी गैरत क्यों नहीं जाती। कुछ कहते हम ये तो बुढ़ी औरत है, उसको क्या भाई, बुढ़ी औरत है तो लोग तर खुश्क लकड़ी नहीं छोड़ते जमीन पे, बुढ़ी औरत को कौन छोड़ता है। आप एक लकड़ी गली के बाहर फेंक दें, आप एक घंटे के बाद देखो वो लकड़ी भी लोग लेकर गए, वो बुढ़ी औरत की कीमत उस लकड़ी से कम है क्या। जरूरी नहीं कि उसकी तरफ किसी जवान की नजर जाए, तो बुढ़ी के लिए बुढ़े भी तो है ना, वो माशरे में बुढ़ों की कमी है क्या। तो तभी तो हम कहते हैं कि भाई जिस तरह जवान मस्जिद में ना आए औरत, किसी तरह बुढ़ी औरतों को भी आने की इजाजत नहीं। क्यों? इसलिए कि बुढ़े मर्द भी तो आते हैं ना मस्जिद में, तो लिहाजा इसी तरह ये जो पर्दे का मामला है, बाहर की बात कर रहा हूँ, हाँ घर के अंदर कोई और नहीं, अपनी औलाद है, अगर वहां पे दुपट्टा उतार दे तो चाहे जवान हो चाहे बुढ़ी, वहां पे कोई मसला नहीं है। अपने महरम रिश्तेदार की बात हो रही है कि मसलन बेटा हो, मसलन बाप हो, मसलन शोहर हो, वहां पे अगर औरत के सर पे दुपट्टा ना हो, अपने घर के अंदर की बात हो रही है, वहां पे किसी अजनबी के आने का इम्कान नहीं है तो मसला नहीं है। लेकिन बाहर निकलती है और ये कहे कि बुढ़ी औरत है सर पे दुपट्टा ना पहने, ना, जो हुक्म औरतों के लिए है, जवान के लिए है, वो मर्दों औरतों के लिए भी है। अलबत्ता बास मामलात में तकलीफ होती है, लेकिन उसके लिए ज़रा तफसील है। तो बहरहाल ये हमारा मौजू नहीं था, लेकिन ये बात अचानक आ गई थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनको भी खौफ में मुब्तला किया, और वो जो नियामत फरावानी की थी वो नियामत अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे छीनी। इसी तरह आप लोगों ने कौम सबा का वाकया सुना है। कौम सबा को अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी नियामतें दी, ये वाकया मैंने आपको सुनाया, इतनी नियामतें दी कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि
लकद काले ले सब आए फी मस्कने माया के कौम सबा के रिहाइश में उनके घरों में अल्लाह तबारक व तआला ने निशानियां रखी थी। जन्नतान अयमीन व शिमाल अल्लाह तबारक व तआला ने कौम सबा में दो बाग बनाए, दो बाग उनको अता किए। दो बाग से मुराद दो बाग नहीं बल्कि दो बागों की कतार, कतार समझ दो ना, कतार। मसलन एक बागी है एक बागी है, यानी एक दरख्ती है एक दरख्ती है, इससे मुराद ये दो बाग नहीं। मसलन एक लाइन में हजारों की तादाद में बाग, दूसरी लाइन में हजारों की तादाद में बाग। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे बागात कौम सबा को दिए। वो ऐसे बागात नहीं जैसे हमारे जंगल होते थे, वहाँ पे सेब के बागात, अंगूर के बागात, अनार के बागात, केले के बागात, अंजीर के बागात, हर तरह के फल मेवे अल्लाह तबारक व तआला ने दिए। और इनको अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी नियामतें दी कि उनको फल तोड़ने की जरूरत ही नहीं होती थी। कोई औरत या कोई मर्द अपने सर पे टोकरी लेके इन बागात के नीचे से गुजरता, जब वो बागात को क्रॉस करके निकलता उसकी टोकरी खुद ब खुद पल्लू और मेवों से भर जाती थी। इतना अल्लाह तबारक व तआला ने इनको सुकून दिया, इतना अल्लाह तबारक व तआला ने इनको बागात दिए। अल्लाह ने फरमाया जन्नतान यमीन व शिमाल, अल्लाह ने दो तरफ के बाग दिए, एक दो कतार बाग दिए, और वो न खत्म होने वाले कतार थे। एक दो तीन चार पाँच नहीं, पूरी कतार, यहाँ भी कतार यहाँ कतार। वो उनके नीचे गुजरते थे तो उनकी टोकरियाँ भर जाती थी, इतने फल गिर जाते थे। वो अल्लाह ने फरमाया कुलू मिन रिज़्क़ि रब्बिकुम, अपने रब का रिज़्क़ खाओ। वश्कुरु लहु, अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह रिज़्क़ आने के बाद शुक्र की बात इसलिए करते हैं, अल्लाह को बताए कि रिज़्क़ आने के बाद, रोजी आने के बाद इंसान में शरारत आ जाती है, पैसा आने के बाद इंसान में शरारत आ जाती है। ये जितने लोग हैं ना जो शराब पीते हैं, डांस करवाते हैं, गंदी में पलों में जाते हैं, ये वो लोग हैं कि जिनके पास पैसा है, जिनके पास क्या है, पैसा है। अल्लाह ने, अल्लाह को पता था कि ये गाएंगे फिर मस्ती करेंगे। अल्लाह ने बोला गा के मस्ती नहीं करनी, गा के अल्लाह का शुक्र अदा करना है। कि क्या फरमाया, कुलू मिन रिज़्क़ि रब्बिकुम वश्कुरु लहु बल्दतुन तय्यिबतुन, तुम्हें अल्लाह ने पाक इलाका दिया है, पाकीज़ा इलाका दिया है। पाकीज़ा इलाका कैसे दिया है, अभी हमारे यहाँ देखो गर्मी है, आप बैठे हो पंखा भी चल रहा है, गर्मी लग रही है। अब इसके बाद जब जून जुलाई अगस्त का महीना ख़त्म हो जाए फिर सर्दी शुरू हो जाएंगे, आप दरवाज़ा बंद करेंगे, खिड़कियाँ बंद करेंगे तब भी आपको सर्दी लगेगी। लेकिन यहाँ भी अल्लाह ने इन इलाके वालों को ऐसा मौसम अता किया, न ज़्यादा सर्दी न ज़्यादा गर्मी, कभी पसीना भी इनको नहीं आता, बिल्कुल अमन सुकून के साथ रहते थे। अल्लाह ने मौसम भी उनको सुकून के साथ दिया, और अमन और इत्मीनान की ऐसी बात थी कि उस इलाके में न कठमल आता था न मच्छर, हमें तो मच्छरों ने तंग किया हुआ है, मगरिब से पहले हम जलेबी जलाते थे, मच्छर जलेबी जलाते थे, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ये होता था न मच्छर आते थे, न मक्खियाँ आती थी, न कटमल आते थे, और न टिड्डी आती, जैसे आजकल अल्लाह का वबा टिड्डी की शक्ल में भी आ गया है। हमारे पास इसलिए नहीं आया कि हमारे पास टिड्डी को खाने के लिए फसल ही नहीं है, हमें तो अल्लाह ने किसी और तरीके से रोका है, समंदर का रास्ता हमें अल्लाह ने रोका है। और जिनकी फसलें सिंध बलोचिस्तान पंजाब वालों को पूछ लो, टिड्डी सिर्फ दो मिनट के लिए आ गई इनके फसल में, उठ गई पूरी फसल तबाह बर्बाद, वो सौ हजार की तादाद में नहीं लाखों की शक्ल में। चंद दिन पहले मैंने वो मेरे घर से सिंध या बलोचिस्तान की वीडियो देखी, टिड्डी इतने आए तो लोग ढोल बजा रहे थे टिड्डियों को भगाने के लिए। एक ही सूरत है, वो ये है कि टिड्डी भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फसलों पर अल्लाह का अजाब है, कुरान में आया है। फारसल्ला अलैहिम तूफाना, या तो ये फिरौन की कौम पर या बनी इसराइल पर अल्लाह तबारक व तआला ने अजाब भेजा, क्या फारसल्ला अलैहिम तूफान, तूफान का अजाब, वल जराद टिड्डी का अजाब, वल कुमल कटमल का अजाब, वल ज़फ़ाद मेंढक का अजाब आया। इन तफसील में नहीं बयान करूँगा, टिड्डी का अजाब भी उन पर आया। क्यों आया, अल्लाह का हक अदा नहीं करोगे, हदीस पाक में आता है तुम ज़कात अदा करो, ज़कात अदा नहीं करोगे ज़कात बाकी माल को भी जला देगी, बाकी माल को ज़कात हो क्या कर देगी, जला देगी। जलाने का क्या मतलब है, ऐसी बीमारी लग गई जो हज़ार निकालना था ज़कात का दस हज़ार निकल गए, जो दस हज़ार ज़कात के थे एक लाख निकल गया, तब भी बीमारी का पता नहीं चलता, इतना इलाज किया इतना इलाज किया इतना इलाज किया,
मिलाकर पैसे खत्म हो गए, मौलवी के पास आ जाए, तो पता कि यहाँ ताबीज फ्री में मिलता है, हर जगह में नहीं, हर जगह में ताबीज भी फ्री में नहीं मिलता है। मिस मुजाफरान लेके जाओगे तो ताबीज लेकर आओगे, या मिस मुजाफरान के पैसे लेके जाओगे तो ताबीज लेकर आओगे। तो टिटी का भी अजाब आया उन पर, क्यों? ज़कात नहीं निकाला, अल्लाह का हक नहीं निकाला, तो अल्लाह तबारक व तआला तो छीन लेते। तो इधर भी ऐसा हो, अल्लाह तबारक व तआला ने उस इलाके में मच्छर की पाबंदी, अच्छा बीमार भी वहां पे जाता तो अल्लाह उसको भी शिफा देते। उस इलाके में अगर कोई बंदा बीमार भी जाता, बाहर किसी मुल्क से बीमार होकर उधर जाता तो उसको वहां से शिफा मिलती, ऐसा पुरसकून इलाका था। अल्लाह ने फरमाया बलदतुन तैयबतुन व रब्बुल गफूर, कुछ गलती इंसान से तो हो जाती है, गलती इंसान से हो जाती है, अल्लाह का शुक्र अदा करो, मामूली से गलती हो जाए तो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान, मामूली इंसान से गलती हो जाए तो, लेकिन मस्ती नहीं करना, शरारत नहीं करनी। फआरज़ू, खाने के बाद मस्ती चढ़ गई, यही आदत है कि खाने के बाद, पैसा आने के बाद हमेशा लोगों को मस्ती चढ़ जाती है। फआरज़ू, अल्लाह फरमाते हैं इन लोगों ने मस्ती की, और नबियों को भी, 13 नबी अल्लाह ने इस कौम में भेजे, 13 नबी, 13 अंबिया अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम में भेजा, लेकिन किसी एक की भी बात इन लोगों ने नहीं मानी। वो कहते भाई हमारा इलाका है खुशगवार इलाका, डिफेंस का कैप्टन इधर क्या है, इधर अल्लाह का अज़ाब थोड़ी आएगा, आएगा। फिर क्या हुआ, फआरज़ू फअरसलना अलैहिम सैलल अरिम, ये ऐसी जगह में रहते थे कि सामने एक बहुत बड़ा डैम था, बहुत बड़ा डैम था, और डैम भी मलका बिल्किस ने बनाया था, इसलिए कि ये नशे भी जमीन में रहते थे, और जब भी सैलाब आता था तो ये मुतासर होते थे। उस वक्त के बादशाह ने डैम बनाया ताकि पानी भी महफूज हो जाए, हमारा इलाका भी महफूज हो जाए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की नफरमानी की, अल्लाह ने डैम को खत्म करने के लिए चूहे पैदा किए। उन्होंने देखा कि चूहे हमारे डैम पर मुसल्लत हुए, तौबा नहीं की, चूहों पर इन लोगों ने क्या कहा, चूहों को खत्म करने के लिए बिल्ली छोड़ दी, चूहों को खत्म करने के लिए क्या किए, बिल्ली छोड़ दी, इधर उधर से बिल्ली जमा किए ताकि ये चूहों से डैम बच जाए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत देखो, चूहे इतने बड़े थे कि बिल्लियों पर गालिब आ गए, इतने बड़े बड़े चूहे के बिल्ली देकर बिल्ली भी भाग जाती। बिलाखिर अल्लाह तबारक व तआला ने चूहों के जरिए से उनके डैम को खत्म किया, तहस नहस हो गए, बहुत सारे हलाक हो गए, और जो फल मेवा सेब अंगूर वगैरह के बाग थे, अल्लाह तबारक व तआला ने इन बागों को तब्दील करके जंगली बेर लगा दिया। जंगली बेर समझते ना, जिसमें कांटे ज्यादा हो फल कम हो, एक होता है देसी बेर जिसमें फल ज्यादा हो कांटे कम हो, अल्लाह ने इन सब बागों को तब्दील किया जंगली बेर में। जंगली बेर में ये होता है कि कांटे बेहद होते हैं, फल किसी न किसी कोने कांचे में काबू नजर आता है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं अरसलना अलैहिम सैलल अरिम व बदलनाहुम बिजन्नतिन जन्नतिन ज़वाति उक्लिन खमतिन, बदमजा कड़वा कसीले दरख्त अल्लाह ने पैदा किए। लो पहले अल्लाह ने सेब अंगूर अनार दिए थे, नाकदरी की मस्ती की, अल्लाह ने फरमाया अब कसीले खड़वे बदमजा पल मैंने दे दिए। वो असलम व शय में सदर खलील साल का जजैना हम बेबा कफूर, ये बदला है तुम्हारे कुफर का, ये बदला है तुम्हारी नाशुकरी का। वह हल नुजाजी इल्ल कफूर, और हम नाशुकरा लोगों को इस तरह की सजा देते हैं, हम नाशुकरा लोगों को इस तरह की सजा देते हैं। ये सिर्फ इनके लिए खास नहीं है, वो मेरे और आपके लिए भी है। ये मेरे और आप, मैंने आपको हमेशा बताया कि हदीस पाक में आता है खुशनसीब इंसान वो है कि जिसके मुल्क में उसकी रोजी हो, खुशनसीब इंसान वो है जिसके मुल्क में उसकी रोजी हो। मैं तो कहता हूँ आप खुशनसीब से बढ़कर खुशनसीब हो, आपके घर के अंदर आपकी रोजी है, मुल्क नहीं, आपके घर के अंदर आपकी रोजी है। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और जो समंदर से आए अल्लाह का हक अदा करो, अल्लाह का हक अदा करो। जैसे जब तक लोगों ने बोला नहीं, 3 साल से किसी ने टोकरी नहीं रखा है, लेकिन किसी को हिम्मत है कि खुद से मस्जिद के नाम पे टोकरी रख दे,
मैं सवाल करता हूँ आप लोगों से, तीन साल से किसी ने नहीं वो ये बात बोलने की भी नहीं है, लेकिन आप में से किसी को भी हिम्मत नहीं, दो तीन बंदों के अलावा कोई तवज्जो ही नहीं देता है। बोलना जरूरी है हमारा कि भाई मस्जिद के लिए टोकरी रख दो आप, ये खुद आप रखो ताकि इसके बरकत से अल्लाह तबारक व तआला मेरे और आपके रिज़्क में इजाफा फरमा दे। तीन सालों से मैं और आप नहीं कर रहे, मैं और आप अपनी हालत भी देख रहे हैं, बिगड़े हर साल। पुराने जमाने में तो सुआ इधर आता था, अभी गायब हो गया, और आप हम अपने बाप दादा को देंगे, माशाल्लाह वो इल्म उनके पास नहीं था, ईमान उनके अंदर था। अब इल्म और इसी तरह मशहूर ज्यादा हो रहा है, ईमान की दौलत नहीं है। तो बहरहाल इसी तरह अगर आप अल्लाह का हक निकालेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क मेरे और आपके गोद में डाल देगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह हमें सही मानों में बरकत दे। आमीन।